इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि मैं 945 रुपये मुझे कमाने में कितना टाइम लगा होगा। हाँ बगल में कुछ चेकिंग नहीं है। चेकिंग की बात नहीं। वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। और अगर आप लोग बाइक टैक्सी चलाना चाह रहे हो, इसमें कुछ काम करके कमाना चाह रहे हो, ठीक है, तो और या फिर आप अगर चला भी रहे हो ना, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, ठीक है। हम कुछ बात करने वाले हैं सीरियस टॉपिक पे, क्योंकि सेम क्वेश्चंस बार बार वही आते हैं कमेंट में, तो सोचा यार चलो दिन भर काम करा और वीडियो नहीं, एक सेपरेट वीडियो छोटा सा मोटो ब्लॉगिंग के अपनी स्टाइल में आप लोगों को बता दिया जाए। तो देखिए, बहुत सारे लोग ना इस फील्ड में सिर्फ यूट्यूबरों को देख के, और क्योंकि देखिए मैंने भी अपना एक कॉरपोरेट जॉब छोड़ के फिर यही करने लगा, एज ए करियर ले लिया, मेरे पास यही काम है। और भी मैं अपने राइडिंग गियर से रिलेटेड भी अब काम डाला हूँ, जिसमें मैं ऐसे ग्लव्स वगैरह सेल करता हूँ, ठीक है। तो मेरा सबसे पहला आंसर तो ये है दोस्तों कि किसी भी फील्ड में आने से पहले ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो, अगर आपको इसमें आने का एक रीज़न तो यह है कि आपको फ्रीलांस से आप जब मन आपका मन है तभी काम करो, जब मन नहीं है तब ना करो, सब कुछ आपके ऊपर है। बी योर ऑन बॉस, ये बोलते हैं ना जो कि अपना बॉस खुद ब खुद, वही वाली बात है। तो उस टॉपिक के लिए आप आ सकते हो। अरे यार, कस्टमर ने ड्रॉप अपडेट कर दिया है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कमाई की, कि क्या हम इसमें इतना कमा सकते हैं कि हम अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, मैं सबको बोलूँगा कि हाँ हम कमा सकते हैं। उसके लिए आपको डेडिकेशन से काम करना होगा। भले देखिए, हर फील्ड का यही है नियम है कि कितने भी कॉम्पिटिटर आ जाए, कितना भी कॉम्पिटिशन हो जाए। अब मैं देखो रात के 1:22 पर काम कर रहा हूँ, मतलब घर जाते जाते मुझे 3-4 बज जाता है, कभी कभी 5 भी बज जाता है, और शाम को मैं मुझे नहीं पता होता मैं कब निकलूँगा, लेकिन हाँ मुझे पता है कि यार मैं 500-600 का मुझे काम करना है तो मैं काम करूँगा। तो इसी तरीके से आप लोग भी डिसाइड करेंगे कि भाई मुझे काम करना है तो करना है। बहुत से दिन तो ऐसा जाता है कि हम 8-8, 10-10 घंटे लॉगिन है और एक भी राइड नहीं आता है, तो ऐसा भी दिन आता है इस फील्ड में। तो हर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही देख के इस फील्ड में आओ, ठीक है। बस ऐसा नहीं कि हम जैसे यूट्यूबरों ने भैया वीडियो बना दिए, बहुत से लोग ऐसे वीडियो बना देते हैं कि सिर्फ अर्निंग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्निंग से ज़्यादा व्यू आता है ज़्यादा व्यू आता है अर्निंग से, वही वीडियो दिखाएंगे। ऐसा नहीं है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है यार। आप एक दिन वीडियो देख के आ जाओगे, फिर अगले दिन डीमोटिवेट होके काम छोड़ के भाग जाओगे। तो ये सब कुछ आप अपना डिसाइड करो, उसके बाद जो है इस फील्ड में आओ दोस्तों। तो अभी बस कस्टमर मेरे यहीं पे हैं, उनको पिक कर लें, बाकी कंटिन्यू करेंगे बात को, है ना। और वीडियो थोड़ा सा भी लेंथी हो तो प्लीज़ ज़रूर देखना पूरा यार, 2-4 क्वेश्चंस और कवर करेंगे हम लोग। नोएडा में कुछ जगह पे तो है फॉग और कुछ जगह पे नहीं है। बाकी भाई साहब, आपने अगर मेरी कल की जो वीडियो है देखी होगी तो उसमें देखा होगा कितना ज़बरदस्त 2 बार मेरा एक्सीडेंट होते होते बचा। एक तो कालिंदी कुंज का जो फ्लाईओवर है वहाँ पर ही एकदम बैरिकेड लगा रखा है वहाँ पे, तो बैरिकेड से टकराते हुए बचा। इसके अलावा बीच में एक लोकेशन पे तो आ गया भाई। हेलो, यूटर्न लेना है वापस, पीछे आना है क्या? अच्छा बता देते। अच्छा, हेलमेट में ना भैया, वैसा हेलमेट है ना, आवाज़ बाहर की बहुत कम जाती है। आप हो क्या ये? हाँ बगल में कुछ चेकिंग नहीं है। चेकिंग की बात नहीं है, चलो ठीक है बैठो, 7-8 मिनट पहुंचा देगा। हाँ हाँ बैठो। कहाँ जाना है? OTP बत्ते से पहुंचा दे, 7 मिनट रास्ते, कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई नहीं, कहाँ जाना, कहाँ है? ओल्ड डॉक 76। हाँ बैठो, ये तो पीछे ही है। हाँ ये आपका है सिर्फ 3.7 किलोमीटर, इससे ज़्यादा तो मैं आपको पिकअप करने के लिए आ गया। यहाँ से नहीं है, यूँ इधर से ही है। आपको हेलमेट में ना सर्दी नहीं लगती और कुछ नहीं है? कोई नहीं भैया, आप बीमार आप पड़ोगे, हमें क्या है, आराम से उतरो। हाँ भैया, तो हेलमेट रखा ना वो। ये वही हेलमेट है जो मैं पहना हूँ ना। अब इसे क्या है कि आप पहनते हैं ना। हाँ
अगर आप ये हेलमेट पहनते ना आपको एक हवा नहीं लगती 51। तो चलो दोस्तों, अब भैया को ड्रॉप कर दिया है मैंने, नयन जी को। हम अपनी बात जो है वो कंप्लीट रखते हैं। मैं आपको राइड नहीं दिखाऊंगा कि आज कितना हुआ है, क्योंकि मैं सुबह भी काम किया था और अभी का काम मिला के 945 रुपये हुआ है। हम बात को कंटिन्यू रखते हैं। भैया की फोर व्हीलर है यहाँ पे तो, और राइड का इंतज़ार करते हैं। तो आगे मैं ये बोलूँगा कि ये जो काम है इसमें ना कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं, जिसमें से मैं भी एक हूँ। मैं एडिक्टेड का मतलब है कि जैसे कि अब अपनी बाइक लेना है, निकल पड़ना है बिल्कुल, और घुमा के आ जाते हैं 25-30 किलोमीटर, चाहे राइड आए नहीं आए, कमाए हो ना हो ये अलग बात है। फ्री फंड का 1 लीटर 2 लीटर पेट्रोल उड़ा के आ जाते हैं, फिर लगता है कि अरे यार शायद गलत कर दिया, गलत डिसीजन ले लिया। तो इसलिए जो भी आने से पहले एक बार सोच लो, समझ लो, उसके बाद इस काम में आओ। और मैंने कितनी राइड लिया आप लोग कमेंट करके बताना, और कि कितना हो गया होगा आज। और जो लोग पूछ रहे थे ना कि भैया ऊबर में आपने पूरे दिन में एक बार काम करके दिखाओ, तो भाई इस वीडियो से आप समझ सकते हो कि मैं 945 रुपये मुझे कमाने में कितना टाइम लगा होगा। मैं आपको बता दूं, जो एक नॉर्मल जॉब हम करते हैं ना 15-16 हज़ार रुपये, उसमें जितना घंटा होता है ना उससे तो ज़्यादा लग चुका है, ठीक है। और किसी दिन मैं शेयर करूँगा वो वीडियोस जो है, क्योंकि काफ़ी लंबा व्लॉग होगा वो वाला। तो इस वजह से बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर किसी की ज़िंदगी, हर किसी की लाइफ की कहानी अलग है, ठीक है। हम अगर किसी को देख के और किसी को लगता है यार वो उसको इतना कुछ मिल गया हमें नहीं मिला, यार मैंने भी इतना मेहनत किया लेकिन मुझे नहीं मिल रहा, या मुझे इससे ज़्यादा मिलना चाहिए था लेकिन हो नहीं रहा है, तो ये सब अगर आप सोचने लगते हो तो फिर आपके जो है आप वहीं पर स्टक हो जाते। भाई साहब इतना अंधेरा, लाइट नहीं है बिल्कुल यार। ओह पीछे से गाड़ी आ रही है, समझ में नहीं आ रहा किधर से आ रहा है, राइट लेफ्ट। हाँ, और इस जॉब में सबसे बड़ा ख़तरा तो यही है कि हम लोग रोड में रहते हैं, और रोड में आपको पता ही है कभी भी कुछ भी हो सकता है, और सबसे ज़्यादा रिस्क में हम राइडर ही होते हैं। अब आप देखिए इसमें क्या होता है, कस्टमर भी भाई कभी कभी ऐसा भी होता है कि कस्टमर ने हेलमेट अभी जैसे राइड में देखा मना कर देता, अरे पास में जाना ये वो, की रिस्क है हमारे इस फील्ड में। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ लेके चलना होगा हमें। और बाकी आप लोग जो काम कर रहे हैं दोस्तों वो क्या समझते हैं इसको लेकर वो ज़रूर बताना। और कुछ लोग सिर्फ जो ये चाहते हैं कि भाई मैं भी काम करूँगा और 1000 रुपये भी कमाऊँगा, यूट्यूब पे व्लॉग भी बनाऊँगा और बहुत काम हो जाएगा, तो देखिए उसके लिए दोस्तों आप जो क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना होगा। भाई देखो ऐसा नहीं है पेशेंस, बहुत से लोग इसमें ऐसा भी हैं आएंगे पहले ही वीडियो मिलियन है ना, और जैसे भाई मैं 950 वीडियो डाल चुका हूँ कभी मिलियन नहीं गया, लेकिन मैं कंसिस्टेंसी वीडियो डालता रहता हूँ क्योंकि यार मुझे अच्छा लगता है, भाई मेरे को मज़ा आ रहा है काम करने में, मैं डालूंगा। देखिए मुझे पता है यार, देखिए हर किसी का बिजी शेड्यूल है और थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन वो देखते ज़रूर है जो हमसे जुड़े हुए हैं, जिनको अच्छा लगता है ना कि यार चलो आज भाई ने क्या किया होगा, एक मज़ा आता है राइडिंग में, लाइव हो रहा होता है सब कुछ तो एक मज़ा आता है। जो काम कर चुके हैं उनके लिए लगता है कि यार मैं खुद कर रहा हूँ, ऐसा स्टेयरिंग हैंडलिंग वगैरह ऐसा लगता है खुद चला रहा हूँ, तो मतलब अंदर से खुशी मिलती है। तो बस अगर आपको भी अंदर से काम में खुशी मिलती है ना दोस्तों तो वो काम करो, अदरवाइज़ फिर मत करो। ओ बातों बातों में हम लाइट वाले उसमें आ गए। बस दोस्तों यही था इसमें, बाकी बहुत सारी बातें तो करने को है, आप लोगों को पता लग गया 945 रुपये लगभग 10-11 घंटे में कमा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, बट कभी कभी हो सकता है कि हाँ इंसेंटिव वगैरह चल रहा हो, जैसे कि मैंने आज 5 राइड में मुझे मिला है, तो तब आपका इतना पॉसिबल है, अदरवाइज़ नहीं है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियो में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए एज ऑलवेज़ गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।